तो हेलो दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का अनबिलीवेबल सॉन्ग रिलीज़ हो गया है बिग बैंग म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे ही दोस्तों ये गाना रिलीज़ हुआ, टाइगर के फैंस ने इस गाने को देखने के लिए होड़ मचा दी। आपको दोस्तों बता दें कि गाना काफ़ी शानदार है और टाइगर श्रॉफ की वॉइस भी काफ़ी बेहतरीन है इस गाने में। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे गाना रिलीज़ हुआ तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है उनके फैंस के द्वारा, साथ साथ सभी ऑडियंस को। आपको दोस्तों बता दें कि अब ऐसे में ही बॉलीवुड के जितने भी स्टार एक्टर हैं सभी इस गाने पर रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को आमतौर पर हमने मूवीज़ में एक्शन करते हुए, डांस करते हुए ही देखा है, लेकिन गाते हुए नहीं देखा। ये गाना काफ़ी बेहतरीन है। आपको दोस्तों बता दें कि इस गाने को शेयर करते हुए कई सारे बॉलीवुड के एक्टर ने अपना रिएक्शन दिया है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने कहा अमेजिंग सॉन्ग और ये गाना काफ़ी बेहतरीन है, वहीं लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं टाइगर श्रॉफ। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद दिशा पटानी ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने इस गाने को शेयर करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, योर वॉइस इज़ टू गुड टाइगर श्रॉफ। और दोस्तों दूसरी ओर आपको बता दें कि हनी सिंह ने भी इस गाने को काफ़ी अच्छा बताया है और उन्होंने कहा कि ये गाना मैंने अभी अभी देखा है और ये गाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपकी वॉइस भी काफ़ी शानदार है टाइगर। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक और सिंगर यानी दोस्तों बादशाह ने भी इस गाने को काफ़ी अच्छा बताया है, कहा है कि टाइगर श्रॉफ आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है इस गाने में, साथ साथ आपका लुक भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं और सारे वो भी इस गाने की तारीफ़ कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके लुक और साथ ही साथ उनकी आवाज़ को काफ़ी शानदार बता रहे हैं। और दोस्तों बता रहे हैं कि ये गाना भी काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों आपने ये गाना देख लिया तो आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।